आपका चैनल चलता है लेकिन ऐसी फोकस मारते हैं, ऐसे आइए आप, ऐसे आइए दोस्तों। उसके बाद आप क्वेश्चन करिए हमसे, चंदेश्वर चंद्रवंशी जी के बारे में क्या ख्याल है? इनका तो कुछ इन्होंने करता चेहरों ने देखा है। तो वोटवा देकर किसे जिता दिए थे? जिता दिया था, वो बेमानी से जिता दिया गया था कि ईमानदारी से जिता। अरे यहाँ जब काम नहीं हो रहा है, यहाँ समस्या आज नहीं हो रहा है तो देश खतरा में है, संविधान खतरा में है। कोई काम नहीं, उसका मकान पेंट हो रहा है, दिल्ली में मकान किया है, इस पर सीबीआई बैठना चाहिए, 1600 करोड़ का घोटाला किया है। माहौल बहुत गर्म है, झारखंड से बिहार आ रहा है 80 रुपये। नीतीश जी का पहले वाला शासन था ना बहुत अच्छा था, लेकिन अब उनका थोड़ा पलटते पलटते जो है ना स्थिति खराब हो गया। माझी जी मकदूपुर से जीत के मुख्यमंत्री बने, उनके नाम पर हम पटना में छूट जाते हैं, बिना हेमलेट के चलते हैं, दारू पिए हुए थे एक बार, जो कार्यकर्ता का वैल्यू नहीं देगा वो माधव को देखा नहीं चाहते है। आशुतोष कुमार जो युवा नेता है तो 2 साल में पहले अरवल से विधायक बने, शासन की सरकार है नीतीश कुमार जी कहते हैं। नीतीश कुमार के तो पलटू नाम है, चिराग पासवान के वोट देंगे। तो वोटर आईडी में नाम नहीं जुड़ा, वोट कैसे देगा? नीतीश कुमार बूढ़ा हो गए, वो कब तक पिछड़े रहेगा? अच्छा, जनता दल यू के लोग हमसे बात करते हुए अभी कह रहे थे कि लालटेन के जमाने जदयू के तो छोड़िए ना, जदयू कोई पार्टी है ना है। आपका काम करने वाला लेता जी, पहले जाए तो कुर्सी दे, नाश्ता पानी खाना दे। नमस्कार, न्यूज हंटर्स देख रहे हैं आप और चुनावी माहौल है, ऐसे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपकी बात आप तक पहुंचाई जाए और इसी कड़ी में डेली हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई नई जगह पर जाया जाए, नए लोगों से बात किया जाए, नया इशू जाना जाए, नए क्षेत्र के बारे में जाना जाए। तो ऐसे ही चलते चलते आज हम लोग आ पहुँचे हैं मखदुमपुर में, मखदुमपुर ही है ना चाचा, मखदुमपुर में। यहाँ हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं ये सब कुछ उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और चुनाव का मौसम है, ऐसे में लाजमी है कि कहीं भी अगर आप चौक चौराहे पर खड़े होते हैं, हाथ में अगर आपके माइक है और कंधे पे उजला गमछा है, तो लाजमी है कि आप किसी राजनीतिक सवाल ही करने पहुँचे हैं। तो आप मखदुमपुर के लोग कुछ, ये मखदुमपुर ही है ना चाचा, तो मखदुमपुर के लोग हमारे साथ हैं। कहाँ से रहने वाले, कहाँ के रहने वाले आप? लोग इंदौर भी आकर रहने वाला है। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर है। अच्छा, 4 किलोमीटर किधर, इधर या इधर? इधर जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, बीरा के आसपास। अच्छा अच्छा, कितना उधर कितने गांव के बस्ती है वो? वो 10 गांव का बस्ती है। सिर्फ 10 नहीं, मतलब कितने घर का बस्ती है वो? वो 150 घर का बस्ती है। 150 घर, तो 150 घर में वहाँ कितना आप लोग का पोलिंग होता होगा, कैपेसिटी पोलिंग क्या है? आप लोग 1500 वोट हो जाते हैं। 1500 वोट है, और 1500 वोट भी पोल हो जाता है? हाँ, पोल हो जाता है। 1500 वोट हम लोग पोल कर देते हैं, 1200-1400 वोट पोल, 1200-1400 वोट पोल कर देते हैं। तो ये बताइए क्या स्थिति इस बार दिख रहा है गाँव में? तो हमारा इलाका में लालटेने रहता है। लालटेने रहता है। नल जल योजना कोई बता रहा था आपके गांव में बहुत बढ़िया लगा हुआ है? कोई बता रहा था उस गांव में नल जल योजना बहुत बढ़िया पहुंचा हुआ है? हाँ, लगा हुआ है। तो नीतीश सरकार की देन है, नीतीश जी को वोट नहीं है सरकार? नीतीश सरकार से का मतलब हम लोग के पलटू चाचा से? पलटू चाचा, वो तो कहते हैं कि हम विकास के लिए पलटते हैं, जनता के लिए पलटते हैं। ना, वो विकास के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, शिक्षा के तो मैंने शिक्षा से जरूरत है यहाँ सरकार का है। जनता को तो शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा बिना विहीन है। आरजेडी शिक्षा दी है, आरजेडी से आए 17 महीना में सरकार जो रही है तो नौकरी का भरमार की है। पूरा वोट सुरेंद्र यादव को? तो पूरा वोट जहानाबाद लोकसभा पहला स्थान सुरेंद्र यादव को है। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी के बारे में क्या ख्याल है? इनका तो कुछ इन्होंने करता चेहरों ने देखा है। नहीं देखे हैं चेहरा ना? अरे आपके स्थानीय सांसद हैं। स्थानीय सांसद रहते का, इनका पटना जिला के रहने वाला है, इनको तो देखो नहीं करता है, कोई तो जाता नहीं देखता। तो वोटवा देकर किसे जिता दिए थे? जिता दिया था, वो बेमानी से जिता दिया गया था कि ईमानदारी से जीता था। बेमानी तो कैसा बेमानी? रिजल्ट किसको था? रिजल्ट कलेक्टर किसी को दबाव बना के कलेक्टर रिजल्ट दिवा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बात है, मैं तो साक्ष्य है, सामने है। आप देखे हैं? हाँ, सामने है। आप देखे हैं कि? हाँ, सामने है, मैं हकड़ के बोल रहा हूँ इस बात से। क्या देखे हैं? देखे कि कब वो भाग चले और उतने देर में मुख्यमंत्री के दहाज घुमा, कहाँ चला है, टेलीफोन आया कि आप चले आइए, और यहाँ आकर आए यहाँ सुरेंद्र यादव का रिजल्ट था, और सुरेंद्र यादव का रिजल्ट न देख के चंद्रवंशी को टिकट सर्टिफिकेट दिया गया। आप बताइए चाचा कहाँ आके रहने वाले हैं? मखदुमपुर के रहने वाले, पर मखदुमपुर यहीं के रहने वाले, वार्ड नंबर 7 के। क्या स्थिति है इस बार? तो बोल रहे हैं कि आरजेडी एकदम। देखिए अपना अपना बोलने का भाई, किसी को रोक नहीं सकता भाई।
समझे, हम क्या कर सकते हैं इसमें अभी, अब तो अब चुनाव ने बताएगा। तो माने चंद्रवंशी जी बार ठीक है? देखिए खाली कमी में यही है कि जितने बार आते नहीं हम क्षेत्र में, चंद्रवंशी जी बस कमी खाली में यही है। एक बार नहीं आया है? एक बार भी नहीं आया। मखदुमपुर में नहीं घूमे तो नहीं है, एक बार जीतने के बाद। पार्टी के नाम पर खाली जीते और जीता कौन है यहाँ पे? कौन जीता पार्टी के नाम पे? वही जो अभी कहा सांसद है चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी, पार्टी के नाम पे जितना भी चिंता है पूछिए, सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीता हाँ। और नहीं तो फिर तो इस बार तो फिर मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे। मोदी को बैठाना तो मोदी के नाम पे वोट तो मिलेगा, वोट मिलेगा, मोदी को ही वोट मिलेगा। हम लोग तो बस मोदी जी को लाना है फिर से, चूंकि उनसे अच्छा कोई विकल्प अभी नहीं है, नहीं है। अगर विकल्प अच्छा हो तो सोचते। तो मोदी जी के लिए आप मोदी जी को देख रहे हैं या चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को देख रहे हैं? तो देख ही नहीं रहे हैं। हाँ। मोदी जी देख रहे हैं। मोदी जी को देख के वोट करना है। नीतीश सरकार से खुश है? एनडीए गठबंधन में है। देखिए नीतीश जी का पहले वाला शासन था ना बहुत अच्छा था, लेकिन अब उनका थोड़ा पलटते पलटते जो है ना स्थिति खराब हो गया। अच्छा, अभी लोग बता रहे थे कि इस बार आरजेडी को 32 सीट आ जाएगा 40 में से। वो तो उनका समझ है। आपका समझ क्या है? हमको तो नहीं लगता है। नहीं लगता है? क्या लगता है आपको? हमको तो लगता है 40 है ना, तो 40 पूरा है। मतलब 40 का 40 एनडीए जीत जाएगा? और नहीं तो का? नहीं ऐसा तो देखिए नहीं होने वाला है। होगा होगा, एक दो सीटें जरूर हो जाए तो हो जाए। आप किसी राजनीतिक दल से भी सरोकार रखते हैं क्या? नहीं, हम तो एनडीए के एकदम हार्डकोर समर्थक हैं। आप हम लोग देखिए यहाँ नहीं देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा देश का मतलब जो पूरा देश का जो मतलब नेतृत्व करने वाला है वो कैसे। तो ये लोग तो आरजेडी वाले लोग तो कह रहे हैं कि देखिए तो मतलब ये तो पक्ष विपक्ष होना है ना, नहीं तो विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो फिर वो भी तो जरूरी है, गड़बड़ है। अब बाकी अपना समाज है, इनकी समाज कुछ और इनका कुछ और होगा। इनको तो समाज है कि चिराग पासवान के हम वोट देंगे, चिराग पासवान के वोट देंगे। तो वोटर आईडी में नाम नहीं जुड़ा, तू वोट कैसे देगा? मेरा घर के देंगे, मम्मी पापा मेरा भाई दीदी सब देंगे। तेरा कहने से हम जाते हैं पासवान आप लोग नहीं, ये सवाल करिएगा ना आप लोग। मेरे क्षेत्र में आएंगे तब ना। हाँ। हमारे क्षेत्र में आएंगे जिस दिन, अभी तो देरी है, हम लोग के यहाँ वोट का लास्ट चरण में है, सबसे अंतिम में है। तो बिहार से 40 सीट जीत के प्रधानमंत्री थोड़ी बना पाएंगे? अब पूरे लड़ रहे हैं सगर से, तो उनका प्रधान जी को बनेगा ना, तो खड़ा अभी तो नहीं किए किसी को कौन जीतेगा। सवाल करिएगा, सवाल करवे अपने नेता से, सवाल करिए पूछेंगे। देखिए चुनाव का माहौल हो, अगर सफ़ेद पोस कोई दिख जाए तो लाजमी है कि दिमाग में एक ख्याल आता है कि जरूर नेताजी ही होंगे या किसी राजनीतिक दल से ही सरोकार रखते होंगे। चलिए लगाइए। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? सबसे पहले तो चैनल से, आपका चैनल चलता है लेकिन ऐसी फोकस मारते हैं, आपको क्या लगता है? अच्छा हमको हमको मतलब लगता है कि मतलब और दूसरा बात है कि यह सफ़ेद पोस चुनाव के चलते नहीं पहने हैं, 30 सेट है, कोई नेता का बाप का दिया हुआ नहीं है और किसी का बधुआ मजदूर नहीं है, समझ गए? और 100 मीडिया वाला आता है, हम कहते हैं कि YouTube दिखावेगा तब हमको सही इंटरव्यू लीजिए। क्या दिखावेगा मतलब आपका न्यूज ले रहे हैं तो यार ऐसा ही आप ऐसा ही दोस्तों, उसके बाद आप क्वेश्चन करिए हमसे। ऐसे रहने में क्या दिक्कत है? यह बोल रहे हैं कि वो वोटर आई कार्ड में नाम नहीं है तो यहाँ चिराग पासवान लड़ रहे हैं, और जो लड़ रहे हैं उनका बारे में बताइएगा। उनको 5 सीट में मिला है तो 5 सीट पर लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ाई हो रहा है। बिल्कुल 5 सीट पर। आपका हाजीपुर का न्यूज देखे आ रहे हैं, वहाँ पूरा एकदम दंगल चल रहा है रोड शो में। अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मखदुमपुर के रहने वाले हैं, प्रॉपर खास मखदुमपुर के। जी बेलावीरा पंचायत मखदुमपुर घोसी का बॉर्डर है, अब थाना के पीछे हमारा घर है। चलिए आप पूछिए, पूछते जाइए। क्या स्थिति दिख रहा है आपको यहाँ? यहाँ भी कुछ जब नामांकन है ना, कोई कहा हुआ था कौन मरेगा कौन मरेगा, एक दिन में कुछ कहा जा सकता है? अब यहाँ से लेके जा रहे हैं जैसे आप घर पहुँचिए कि नहीं पहुँचे, इसका कौन गारंटी लेता है? देखिए ये तो आकस्मिक चीज है, किसी का कोई नहीं बता सकता कौन जिएगा कौन मरेगा। अब सब लेकिन 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 एक लेकिन एक फोटो लेकिन एक माहौल दिखता है जैसे जैसे यहाँ पे खाली सुनिएगा, जैसे यहाँ पे जो हम लोगों ने बात किया जहानाबाद के, जहानाबाद में करीब लोकसभा के अंतर्गत हमने लगभग 40 गांव 50 गांव का दौरा किया। 40 से 50 के किया? हाँ 40-50, चूंकि भी बहुत रिसेंटली आए हैं तो हर जगह से बहुत अलग अलग। आपको 200 पंचायत का नॉलेज है? हाँ बताइए। और मखदुमपुर आपका घोसी का नॉलेज है? आपका पंचायत कौन सा पड़ता है? बेलावीरा। अच्छा, उसके बाद जहानाबाद और रोड जितना है बंधुगंज से लेके किंजर कलेर से लेके आपका अरवल तक टोटल हर जगह हमको जानता है, हर जगह घूमे हैं, समझ गए? मीडिया वाले पटना के टोटल जानते हैं, टोटल नेता जानता है, यहाँ तक मुख्यमंत्री तक हमारा आवेदन जाता है, उस पर DDC का चेंजिंग हुआ है, यहाँ BDO कहलाया हुआ है हमारा, आपका सप्लाई ऑफिसर कहलाया हुआ है,
यह सब हम लोग करते रहते हैं। चलिए अब आगे पूछिए। ये बताइए हमको क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? चुनाव मुद्दा हम लोग को ईमानदार चाहिए। अब कर्मचारी 5,000 रुपया ले रहा है, एलपीसी नहीं मर रहा है, हम से सबसे की 3 गोदाला रख लिया है, कहां सीओ साहब ही गए हम मखदूमपुर में। चलिए आवाज उसको बेला भी रसाम हटाए हैं। अब बात करेंगे दिल्ली के बाद, अब जहाँ कचड़बन रहता है दिल्ली में, दिल्ली व्याकुल भारत रहा है। अरे यहाँ जब काम नहीं हो रहा है, यहाँ समस्या आज नहीं हो रहा है तो देश खतरा में है, संविधान खतरा में है भाई। जो संविधान के क्या नियम कानून माने है, लड़ाई अरे डेग डेग है लड़ाई, संविधान के बात कर रहा है, नियम कानून है बिना हेमलेट के चलना, यहाँ 3 गोले चल रहा है, देखे कितना पार हो रहा है, कोई मांगता है? ये तो अपने लेवल पे भी लोग को जागना होगा ना, अपने लेवल पे भी तो लोग को जागरूक होना पड़ेगा ना। ये आप लोग इनिशिएटिव करिएगा तब तो जागेगा, हम लोग इनिशिएटिव करेगा तब ना। हम लोग इनको क्या कहेंगे, हम लेट लेके चलिए। बिल्कुल बोलिए बिल्कुल बोलिए। आप अगर गार्जियन के भूमिका में है तो बच्चों को मना करेंगे नहीं? आप शासन से नहीं संभाल रहा है, ओपी 2 बार लुटा गया, तकारी थाना के ध्वस्त कर देता है, हम लोग कौन गली में है? जेल ब्रेक हो गया जहानाबाद, हम लोग कौन गली के मूली में है? जहानाबाद जाते हैं घर आवेगे सुरक्षित की ना आवेगे, तब को जानता है कितना आदमी बराबर में डला गया कुआं में, कितना आदमी खोटा चुआ में चल गया, ये माहौल है। डर के साए में जी रहे हैं आप लोग? हाँ आप लोग ना तो मामूली, आप ही सुरक्षा करते हैं के। तो डर कह रहे हैं आप? तो डरे के रहे कहा मतलब है, इराक ईरान का जब युद्ध हो रहा है तो सारे लोग जो नहीं डर रहा है जा रहा है ऊपरे, आगे तक लगेगा तो खड़ा रहिएगा। ये स्थिति है, तो ये स्थिति ना जहानाबाद का क्या स्थिति है? चंदेश्वर चंद्रवंशी जी एक तरफ चुनावी मैदान में है एनडीए से और दूसरी तरफ आरजेडी से। नाम खाली ले लीजिए बस हो गया। चंदेश्वर चंद्रवंशी टोटल फंड को बेच दिए और जब हम गए हैं कहा दे दिए, किसको दिए कोई नहीं जानता है, और जो बढ़िया पीए था उसको हटा दिए। अब 5 साल में कहीं किसी के पास न आते हैं, एक चंद्रवंशी का हालत शादी था उसमें भी नहीं आए, और जितना अति पिछड़ा वोट दिया है नीतीश कुमार बूढ़ा हो गए, वो कब तक पिछड़ा रहेगा? अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए चंदेश्वर नीतीश कुमार से पूछिएगा। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी अभी बता रहे थे कि हमने लगभग 200 के करीब गांव का दौरा किया जिसका हमारे पास वीडियो है। दौरा ना किया है एसी में बैठ के कि कोई काम किया 200 गाँव के? काम नहीं किया। तब अब दौरा किया, अब गया रोड शो में, अब आए वहाँ पंच पर चढ़ा दिया जाले घूम रहा है, उनका जाते कर ही दे रहा है कि वोट नहीं देंगे। अच्छा हाँ, तो मतलब इस बार लोग नाराज हैं चंद्रेश्वर चंद्रवंशी से? चंद्रवंशी से नाराज नहीं थे, पिछले बार भी तो वोट दिए थे आप लोग। हम ना दिए थे, आपने देवे वाला दिया होगा? हाँ हम ना दिए थे। सुरेंद्र यादव के बारे में क्या कहा? आए सुरेंद्र यादव देखिए वो आवेंगे टिकट लेके, अब क्या हो रहा है जो सर अखिलेश का बेटा महाराजगंज लड़ रहे थे कांग्रेस, अभी हुआ कि नहीं जीतेंगे तो उनको हटाया गया, वहाँ के एमएलसी का दिया गया ना जो जो क्षेत्र कवर करता था। अच्छा। और रुपया यहाँ आरजेडी है, सुरेंद्र यादव से एक बार सिंबल छीन के गणेश यादव के दिया गया है, आपको पता नहीं है? पता है गणेश यादव यहाँ से सांसद हुए थे, इनका सिंबल मिला था छीन लिया गया था आरजेडी कांग्रेस। गणेश यादव और चंदेश्वर चंद्रवंशी के बारे में लोग ये कहते हैं जहानाबाद के इतिहास में ये दो ऐसे सांसद हुए, चंदवासी जहानाबाद का भगवान है। जहानाबाद का लूट के गया है चंद्रवंशी, कोई काम नहीं उसका मकान पेंट हो रहा है, दिल्ली में मकान किया है, इस पर सीबीआई बैठना चाहिए, 1600 करोड़ का घोटाला किया है चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, कोयला घोटाला किया है, हाँ इसका संपत्ति का जाँच होना चाहिए सीबीआई से। अच्छा हाँ चंद्रवंशी के दाम हम मांग करते हैं, इसका सीबीआई का जाँच होना चाहिए। ये आपका मांग है सरकार से? हाँ, सरकार से मांग है, इसका संपत्ति का जांच होना चाहिए। इस बार नहीं जिताइएगा एकदम खफा लग रहे हैं? खफा हम है पूरा, उनका जातीय गाड़ी दे रहा है तो ये दो सौ का करेगा, सब खफा है एकदम, सब खफा है। सुरेंद्र यादव के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, एकदम खामोश हो जा रहा है उनका सवाल। आदमी अच्छा है, जब उनके यहाँ जाते हैं नाश्ता कराते हैं, उसके बाद चंदेश्वर जी नाश्ता नहीं कराते हैं? पानी पिलाता है, भाई जो गर्म पानी पिलाता है, हम घरे एसी का पानी पीते है, आई गर्म पानी पिलाता है, गर्म पानी पिलाया जाते हैं तो लस्सी मिलता है, उसके बाद काम भी होता है, पैरवी भी होता है, तो हमारा ऐसा नहीं था ना चाहिए आपको काम करने वाला लेता जी, पहले जाए तो कुर्सी दे, नाश्ता पानी खाना दे, तू रे भाई चक्करपति हो गया एमपी बन के, तू का किया जहानाबाद के लिए?
चलिए, तो ये दिख रहा है लोगों में खासा नाराजगी है यहाँ के स्थानीय सांसद को लेकर। तीन बार गए सांसद, फंड रुपया दिया चोरबा और संपत्ति का जांच होना चाहिए सीबीआई से। हमारा दिखाइए सामने, तो हमारा जानता है चंद्रेश्वर चंद्रवासी का फोटो दिखावे। अरे जीता राम जी जो रहे हम बैठल थे और नहीं सुनता है, पीए के चेंज कर दिया, फरॉट पीए के कर दिया। मांझी जी के बारे में क्या कहा? मांझी जी अच्छा आदमी है, मांझी जी मगधपुर में बड़ी काम किए हैं, थाना जितना अलग बात है। मांझी जी मगधपुर से जीत के मुख्यमंत्री बने, उनके नाम पर हम पटना में छूट जाते हैं, बिना हेमलेट के चलते हैं, कोई फोर्स नहीं बोलता है। मांझी जी का जैसे नाम लेते हैं मगधपुर के, मांझी जी के आदमी है। कोई हम दारू पिए हुए थे एक बार, और हमको आप दारू भी पीते हैं? बिहार में दारू बंद है लोग बताते हैं। क्या कहता है कि बंद है? लोग बता रहे हैं आपको चाहिए अभी? हाँ अभी चाहिए। अरे इतना धरना पर हम लोग बैठे हुए थे, दारू बंद है क्या कहता है? 1200 रुपए का नहीं मंगा देते हैं। 1200? हाँ। कौन ब्रांड है? जॉन ब्रांड आपको इच्छा है 1200 में? हाँ पक्का ना? पक्का। अब आ रहा है झारखंड से, झारखंड से बियर आ रहा है 80 रुपये। लेको लड़का गया झारखंड, बोला हम लेके आ रहा है 5 गो बियर आप झारखंड से टाटा का इतना तगड़ा अपने कठिन भगा लेंगे। हाँ तो देखिए ये स्थिति है बिहार की, जहाँ चौक चौराहे पर पोल खोल दिया जा रहा है शराब, बिहार सरकार की शराबबंदी का। बिहार सरकार का कहता है कि डेके घुस लगे सरकारी हर जगह। अब बिहार सरकार पोस्टिंग करता है, वेतन देता है, इंदिरा आवास में गए आज वही हाल है, हर जगह पेच है। मतलब मास्टर रोल लेना है तो कंप्यूटर में बैठा हुआ है, पहले पैसा दीजिए। आज जानते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र में हमारा सामने 200 लिया, हमके रसीद दीजिए। अरे मृत्यु प्रमाण पत्र में उसको आदमी मरा है, कौन स्थिति में अभी भोज नहीं हुआ है और 5-500 रुपया मांगता है, उसको कौन देखेगा? नहीं बिल्कुल, अब घर से उसको आने का प्रॉब्लम है और कहता है कि जाना है, पैसा कम देना है था 500 मांग रहा था 200। आज की घटना है आज के, तो फिर आवे पर तो बताइए, डरा दिया उसको अब डर से फिर परसों खोल ले। आपने बोले कुछ? अरे लोटा बटम का है दबावे के बात का अधिकार है, बाहिचो जो निमल है ओकरा देंगे, खराब का घाटा में लोटा में वोट देवे कहता है। ओ बाहिचो संस्कार ही ना देने लोटा में वोट दे, जो निमल करी डेट उसको देंगे। आइए आइए, अरे बात हो जाए, आइए चाचा भैया से। अच्छा आप मांझी जी को बढ़िया नेता मानते हैं? बिल्कुल, देखिए मांझी जी जो ईमानदार है, काम करते हैं। अभी बताए छरियारी पुल पर जो बनाए हैं सोहजाना का पुल, जाके देखिए कितना बढ़िया पर्यटक है। चलिए बिल्कुल, सुगांव में जो बनाए हैं, तो जहां उस सोहजाना छोटा गांव और बेचारा क्रस है बरसात में घरे जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो उसको रास्ता बनाई तो बढ़िया नहीं कहेंगे? मांझी जी बढ़िया नेता, मुख्यमंत्री रहे का उनको बढ़िया नहीं कहेंगे? इससे क्या हो सकता है? तो एक बात बताइए, मांझी जी को आप लोग यहाँ से जिताए भी हैं, मखदुमपुर से मांझी जी जीते भी हैं। तो मांझी जी तो अभी एनडीए के साथ है, मांझी जी अभी एनडीए के साथ है, घटक दल है वो भी। तो मांझी जी के अपील पर चंद्रवंशी जी को वोट मिलेगा यहाँ पे ना? भी ना जगह जगह पर होता है, जरूरी है ऐसा? ये सब कोई बात मानता है? जानता बात नहीं मानता है, कोई आपका जीताराम मांझी की शिकायत करता है कि ठीक नहीं है। अब आरजेडी छोड़ कर चल गए तो आरजेडी से बात करिए, जीताराम मांझी खराब है वो तो अभी। लेकिन हमारा काम करते हैं तो ठीक है, मतलब आपको छोड़ा देते जाते हैं, नहीं जाते हैं पैर भी कर देते हैं तुरंत, बाबू को बैठा वो बाबू कहते हैं हमके, हमको सर जगह नहीं है तो इनको सुतावो कहीं कोई रूम दे दो, ऐसे बोलते हैं पटना में। हम वहाँ बहुत बार रहे भी हैं। चंद्रवंशी जी के यहाँ ये सब नहीं है ना? वो जो काज करता है वैल्यू नहीं देगा। देखा नहीं चाहते है। जो खाली बॉडी गार्ड का वैल्यू देगा माल हर चोत नेता, उसको तो एकदम नहीं हेले देना चाहिए। अरे जानता ना बॉडी गार्ड है? बॉडी गार्ड के वैल्यू दे रहा है, काज करता के निकाल दे रहा है। तू जेब है एक बार जाएगा वो काम न करेगा, दोबारा जाएंगे ना भाई? हैं बिल्कुल नहीं जाएंगे, एक बार जाएंगे चाय न पिलाया पानी न पिलाया कैस के जाइए ना, फोन करेंगे काम हो जाएगा, फोन न कर रहा है और न काम हुआ, 5 साल बीत गया तो मतलब उम्र खाली बिता बीत रहे। मैंने इसीलिए जहानाबाद इस बार चेंज के मूड में है, विधान चेंज होगा पक्का पक्का। चलिए वो चंदवासी तो जरूर हारेगा, बाकी कौन कोई जीते? अच्छा ये अरुण कुमार भी खड़े हैं, बीएसपी से अरुण जी खड़े हैं। अरुण कुमार नामांकन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं।
अच्छा ठीक है, करे दीजिए। क्या स्थिति दिखता है? विचार करेगा करला का। आशुतोष कुमार भी एक युवा नेता, वो भी लड़ रहे हैं। आशुतोष कुमार जो युवा नेता है तो दो साल में पहले अरवल से विधायक बने और दो साल पहले वो जाके प्रोग्राम करवाया था परशुराम जयंती का, तो दो साल में नेता हो जाता है। पहले मखदुमपुर को उसको है क्या क्या पंचायत है? कभी नहीं आया घूमने इधर। अरवल का रहे वाला अरवल का ज्ञान है, वो पूरा बिहार घूमता है। यदि तू अपन क्षेत्र के अरवल के ज्ञान न है तो अरवल से विधायक बन के ले देखा। हाँ चलिए, आपका यही मिजाज हमको पसंद आया कि आप बात बेबाक करते हैं। बेबाक करते हैं आप ही के पास? हाँ। जहाँ जाते हो है बेबाक करते हैं। बाबा आइए, क्या क्या चुनावी न्यूज वाला? चुनावी माहौल बहुत गर्म है। कहा चाचा? और किसी को सरकार नहीं चाहता है। हाँ। जनता हाँ। लफाजी सब है। हाँ। चुनाव में लफाजी खाली पति आता है। हाँ। बड़े बड़े वादा। हाँ। लेकिन काम पूरा नहीं। अच्छा ये बताइए, इस बार स्थानीय सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी एक तरफ मैदान में है। मैदान में वो तो क्या कहिएगा, साल में एक बार ना हम लोग देखने नहीं किए हैं। गणेश जी के एक बार हुआ ना था, गणेश जी के हुआ ना था कि लापता है, वही लापता है। अच्छा मतलब जहानाबाद के इतिहास में दो सांसद ऐसे हुए जो लापता रहे हैं। इनका नाम और वो गणेश यादव। हाँ गणेश यादव पूर्व में सांसद जी। सुरेंद्र यादव भी लड़ रहे हैं मैदान। सुरेंद्र यादव तो आपकी निकल जाएगा। निकल देखिए पक्का देख लिया है। विनोद कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं शर्मा कहा बोले लालू जी की सरकार से डरी था वो। ना डरो ना कहा, सुशासन की सरकार है नीतीश कुमार जी कहते हैं। नीतीश कुमार के तो पलटू नाम है। पलटू नाम है। सुनिए ना, जदयू के लोग, जदयू के तो छोड़िए ना, जदयू कोई पार्टी है ना है जनता दल यू के लोग हमसे बात करते हुए अभी कह रहे थे कि लालटेन के जमाना गेल लो, लालटेन बुझा लो। आदमी कोई के सिद्धांत नहीं बुझता है, आदमी भले खराब होता है। हाँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ये स्थिति है। और नोटा में भी खूब पड़ेगा। कितना? कितना? 10% 10% नोटा में पड़ जाएगा निश्चित। तो इस बार जहानाबाद की जनता चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है। मुद्दा क्या है? मुद्दा मुद्दा तो देखिए रहे हैं मुद्दा तो बहुत नहीं। आप बताइए ना, आप जैसे जिस गांव घर में रहते हैं वहाँ क्या लोग कह रहे हैं? मुद्दा पतियों का है। हाँ। आम जनता के राहत नहीं है। नहीं आपके गांव का क्या मुद्दा है? हमारे गांव का मुद्दा कुछ नहीं, हम लोग शांति से हैं और शांति से रहेंगे। मैंने बिना मुद्दा के? हाँ बिना मुद्दा विहीन है। हाँ। कहा कि हम ठीक है तो सारी दुनिया ठीक है। हाँ। हम गलत है, जैसे लालू जी के अच्छा, गांव में विकास हुआ है। विकास हुआ था तब क्या हुआ है? सड़क रोड पर लाइट। हाँ और शांति अमन चैन है, ये है खूब है। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम लोग सब हर घर में नल जल पहुंचा दिए, सड़क पहुंचा दिए, पुल पुलिया पहुंचा दिए। पैसा तो जेबियों में नहीं रहता है, भ्रष्टाचारी ज्यादा हो गया, बढ़ गया है। विकास पे वोट आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? विकास पर देंगे। नीतीश जी को दीजिएगा इसका मतलब? ना पलटू राम के ना। हाँ। यहाँ जाएंगे तुरंत तो पलटू उन्हें मिल जाएगा, उनको तो कुर्सी उन्हें चल जाएंगे। हाँ। इनका कोई विश्वास ही नहीं है और ना कोई मोरल है। हाँ। बस मतलब खाली सत्ता में खाली रहना चाहते हैं। हाँ। जितना मारो लेकिन हम सत्ता में रहेंगे। इस बार जहानाबाद की जनता एकदम बदलाव के मूड में। हाँ एकदम एकदम। चलिए आप बताइए, युवा है कहाँ के रहने वाले हैं? मखदुमपुर के रहने, पूरा प्रॉपर मखदुमपुर के रहने वाले हैं। ये बताइए, अभी सब लोगों से हमने बात किया, युवा से बात करना लाजमी है, क्या मुद्दा आपको दिख रहा है इस बार चुनावी? के परिवर्तन संसार का नियम है। बिल्कुल अच्छा कैंडिडेट अगर मिलता है कहीं पे आदमी को, उसको लाने में कोई हर्जा नहीं है, समझ गए? जैसे हम लोग चाहते हैं सर कि कहीं पे भी कोई भी काम पूरे समाज के लेकर के हो, ऐसा नहीं कि आप जीत गए अपने आप में आप खुश हैं, वैसा नहीं ना चलता है। अच्छा एनडीए और इंडिया दो मजबूत घटक दल है देश के अंदर जी, तो एनडीए की तरफ से आपके यहाँ जहानाबाद में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी खड़े हैं, चल जाएंगे जी, सब लोग ये बोल रहे हैं। पाँच साल में उनका चेहरा ही नहीं देखा आपने? नहीं देखा चेहरा? देखा न्यूज पे देखा। अच्छा ऐसे लाइव मिल करके मैंने व्यक्तिगत किन्हीं से आकर के मिले कि कहाँ पे आपका वोट है, कौन कौन आपको वोट देकर के वहाँ उठाया, उससे भी तो मिलना चाहिए था ना उनको। काम करवाए
काम करवाए हैं? हाँ, कुछ नहीं, जब मिलेंगे तब तो काम करवाएंगे ना, जब पहुंचे नहीं रहेगा वो डायरेक्ट जाके बैठ जाएंगे वो। अच्छा, वो तो बोल रहे थे कि हम लगभग 200 के करीब गांव का दौरा किए हैं। किए ना तो करवे किए, लेकिन 200 गांव का दौरा किए कहाँ कुछ किए।